नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं एवं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। अभी उनका एक इंटरव्यू आया था न्यूज 18 उत्तराखंड और यूपी चैनल के ऊपर, जिसमें उन्होंने गठबंधन को लेकर कही है बड़ी बात। तो क्या है, आइए आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, जो एंकर थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपका अगर बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, मायावती जी मान जाती है, तो क्या आप बसपा के साथ गठबंधन करेंगे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है चंद्रशेखर जी का जवाब। क्या चंद्रशेखर जी बसपा के साथ गठबंधन करने को तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर वो अपने अन्य साथियों के साथ जैसे कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या फिर कोई अन्य दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए ज्यादा अपना फोर्स लगा रहे हैं, अपना टेम्परामेंट लगा रहे हैं? क्या कहा चंद्रशेखर जी ने, आइए आपको मैं बता देता हूं। एंकर का सवाल था कि आप क्या बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे बसपा का, बसपा के साथ यूपी में, तो इसको लेकर चंद्रशेखर जी कहते हैं कर सकता हूं अगर आप करा दे तो, क्योंकि मैं तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामने वाली जो मायावती जी है वही करने को तैयार नहीं है। तो ये वीडियो देखिए। तो 2024 में बसपा के साथ में गठबंधन करने को तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ, आप करा दो, बातचीत करके करा दो। ठीक है, लगता है ये इंटरव्यू देखने के बाद में बहन जी हो सकता है आपको कॉल कर ले। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन पक्का माना मैं आप ही को इसका धन्यवाद दूंगा अगर आपने करा दिया। दोस्तों, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर जी चाहते हैं बसपा के साथ गठबंधन करना, मायावती जी के साथ गठबंधन करना, लेकिन शायद मायावती जी नहीं चाहती, ऐसा उनकी बातों से समझ में आता है। क्योंकि चंद्रशेखर जी तो चाहते हैं कि बहुजन गठबंधन बने, बहुजन एकता बने, जिससे बहुजन और वोट डिवाइड ना हो। अगर मान लीजिए बसपा और आदर्श समाज पार्टी दोनों लड़ रही है एक सीट के ऊपर किसी भी, तो उसमें जो चंद्रशेखर जी का समर्थन करते हैं वो स्वाभाविक है कि उनको वोट देंगे, या फिर जो बसपा का कोर वोट वोट बैंक है वो तो बसपा को ही वोट देगा। तो इससे क्या होगा, बहुजन वोट डिवाइड होगा और कोई जीत नहीं पाएगा, ना ही मायावती जी जीत पाएगी ना चंद्रशेखर जी जीत पाएंगे, और इससे क्या होगा, बहुजन समाज की जो राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इससे ये एक बहुत बड़ा भविष्य में दुष्प्रभाव हो सकता है। अगर बहुजन एकता बन जाती है और सभी युवा और बसपा के लोग मिलकर एक तरफ वोट करते हैं एक पार्टी को, कोई भी पार्टी हो सकती है, आदर्श समाज पार्टी या बसपा अगर गठबंधन हो जाता है तो वो सीट निकल सकती है और बहुजन एकता बन सकती है और बहुजन की सरकार आ सकती है। मेरे इस ओपिनियन को लेकर आपका क्या कहना है और आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं।